ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ऐसे है देवर थ्री पार्टीज कोर्ट के सामने थ्री पार्टीज थी। एक तो हम कंप्लेनेंट थे, तीन टोटल कंप्लेनेंट्स हैं, वी वर रिप्रेजेंटिंग टू ऑफ देम, थर्ड के लिए और लॉयर्स थे, एक स्टेट गवर्नमेंट भी थे और थर्ड वो अक्यूज्ड भी थे। तो दे ऑल हैड मूव्ड एप्लीकेशंस और हमने भी अपनी एप्लीकेशन मूव की थी। आज के लिए इट वॉज पेंडिंग फॉर हेयरिंग। आज फिर सीबीआई की रिस्पांस भी आई थी कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में, एंड देन वी आर्ग्यूड इट ऑन द सेम डे, दैट इज टुडे इटसेल्फ। ऐसी है जी, आज तीन पार्टीज हैं जो ऑनरेबल कोर्ट के सामने थे आज, जिनकी एप्लीकेशन लगे हुए थे। एक थी स्टेट गवर्नमेंट, एक थे कंप्लेनेंट्स और एक थे अक्यूज। हम कंप्लेनेंट्स की तरफ से थे। टोटल तीन कंप्लेनेंट पार्टीज हैं, हम दो की तरफ से थे और हमारी एप्लीकेशन लग चुकी थी ऑनरेबल कोर्ट में फॉर द पर्पज ऑफ सीकिंग द कॉपी ऑफ द ऑर्डर। तो जो कॉपी ऑर्डर की जो आज अर्जेंट डेट थी आज, तो हम आज सुबह आए थे, तो सीबीआई ने अपनी रिस्पांस 2 बजे आज ऑनरेबल कोर्ट में रखी थी और वो हमें कॉपी जब मिली, देन वी मेड अ रिक्वेस्ट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट दैट वी विल बी आर्ग्यूइंग इट साइमल्टेनियसली। तो हमने उसको आर्ग्यू किया ऑनरेबल कोर्ट में हम्बली। तो हमने कहा कि वी एज कंप्लेनेंट्स वी आर एंटाइटल्ड टू द कॉपी ऑफ द रिपोर्ट एंड इट मे काइंडली बी गिवन टू अस, एज अ सीबीआई ने हमें वो कॉपी नहीं दी है। तो अब फिर ऑनरेबल कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट भी सुने थे आज सुबह, स्टेट और सीबीआई के आर्गूमेंट्स भी हुए थे और अक्यूज पार्टी के भी तरफ से आज आर्गूमेंट्स हुए थे। डिफरेंट पार्टीज ने अपने आर्ग्यू किए थे केस। तो फिर अब आर्गूमेंट्स कंक्लूड होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने हमें 4 बजे तक कहा था कि आज ऑर्डर होंगे। व्हेन वी केम बैक टू द ऑनरेबल कोर्ट नाउ, द मैटर वॉज कॉल्ड अप फॉर हेयरिंग। तो हम अब ऑनरेबल कोर्ट में आए तो उन्हें हमें ऑनरेबल कोर्ट ने बताया कि जो हमारी एप्लीकेशन है कंप्लेनेंट्स की, वो अलाउ हो गई है for taking the certified copy and we have to pay the usual जो charges हैं fee के, वो हम will deposit in the honorable court and we will seek the copy। हमें allow कर दिया है, हमारी applications copy of the report देने के लिए allow हो गई है। और आज जब हम honorable court में खड़े थे तो उस time पे जब honorable court बता orders pass कर रहे थे, उन्होंने जब स्टेट का आया तो उन्होंने कहा कि द स्टेट्स एप्लीकेशन इज डिक्लाइन, स्टेट ऑफ पंजाब की एप्लीकेशन को डिक्लाइन करते हैं। तो जो कॉपी ऑफ द ऑर्डर जो होगी वो तो उनको अप्लाई करके मिलेगी, वो डिटेल तो सामने तभी आएगी। तो आज उन्होंने ये कहा कि वो डिक्लाइन हो गई है, हमारी जो कंप्लेनेंट्स की है वो अलाउ हो गई है और जो अक्यूज भी थे हाँ जी उनकी भी अलाउ कर दी है। सो ये आज ऑर्डर पास हुआ है, अभी सर्टिफाइड कॉपी हमें मिलनी है, तो वी आर अप्लाइंग फॉर द कॉपी। तो जब मिलती है, as soon as we get the copy, हम आपको भी copy provide कर देंगे। तो order तो बाद ही पता चलेगा। उन्होंने order आने दीजिए, because detailed order तो उनका, because on their behalf I can't make a statement। Order उनका आने दो, but यही था क्योंकि जो operative part था वो बताया गया। सर बाद में कर लेना, सर बताइए। मेरा नाम एडवोकेट विवेक गलवद्दर और मेरे नाल श्री GBS गिल, दोनों असी जिहड़े दो मुलजम पेश होंदे आ, पहला 3 मुलजम सी, महेंद्रपाल, शक्ति सिंह और सुखजिंदर सिंह। और 3 मुलजमां दे विच इक मुलजम महेंद्रपाल और बिट्टू की डैथ हो चुकी है, 2 मुलजम जिहड़े शक्ति सिंह और सुखजिंदर एलियस सन्नी, उन्हां दे असी वकील हाँ, मैं और विवेक कुमार गलवद्दर एंड श्री जी भी। आपने भी आज जो है रिक्वेस्ट डाली थी, अपील डाली थी कि आपको भी सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट दी जाए, उसको लेकर आपके पक्ष में फैसला भी आया है, क्या कुछ था इसमें? बिल्कुल, असी भी क्या सी, सानू भी जिहड़ी क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने अदालत में दी है सानू भी मिलनी चाहिए कॉपी। साढ़े नाल ही स्टेट ने भी फाइल की सी एप्लीकेशन और जिहड़े 3 FIR दे कंप्लेनेंट है उन्होंने भी फाइल की सी, जिन्हां दे विचों स्टेट की जिहड़ी एप्लीकेशन है और जज साहब ने डिसमिस कर दिती गई है और कंप्लेनेंट और जिहड़े मुलजमां दे उन्हां नूं अलाउ करती भी तुसीं क्लोजर रिपोर्ट की जिहड़ी है कापी ले सकते हो। बाकी डिटेल ऑर्डर जिहड़ा है वो थोड़ी देर बाद जिहड़ा अप्लाई करते हैं। अगर शिकायतकर्ता की बात करें, उन्होंने तो कहा कि वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेंगे, लेकिन अक्यूज्ड की बात की जाए तो उन्होंने क्यों सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट मांगी है, क्या दलीलें आपकी तरफ से? क्योंकि असीं तां पहले दिन तो ही जदों इन्हां नूं पेश किया गया सी, रिमांड ते लिया गया सी, सब तो पहला स्टार्ट होया सी ये FIR नंबर 33 जो कि सिटी मोगा दे विच दर्ज हुई सी। उन्होंने वो जिहड़ा पिछले साल
अपने जुलाई के महीने के पेश किया मुलजमान उत्थों इन्हों रिमांड लैके एक केस जिहड़ा 63 नंबर एफ आई आर जिहड़ा मौजूदा अज चल रहा है इस दे विच दित्ती गई सी इनक्वायरी। असीं उदों तों ही कह रहे हैं भी ये डेरा सच्चा सौदा दे जिहड़े आ है जिन्हां दे असीं वकील हाँ जिहड़े फॉलोअर है जिन्हां नूं है ये बिल्कुल बेगुनाह इन्हां ने यही घटना सोच ही नहीं सकता कोई होनी है जी कानूनी हरकत करना। असीं शुरू तों ही कह रहे बेगुनाह है और सच सारिआं दे सामने आ गया। सी बी आई ने लिया के रखता हुण पूरा जिहड़ी असीं तां जदों ब्रेन मैपिंग दी उन्हां ने एप्लीकेशन मूव कीती सी सी बी आई वाले ने तो असी उदों ही साढ़े जिहड़े है दोषी मुलजम जिन्हों असी नहीं मुलजम कह रहे जो सरकार कह रही भी मुलजम है जो एज ए मुलजम पेश होंगे अदालत में असी उदों ही उन्होंने इजाज परमिशन दिया सी देती सी आपकी सहमति भी इन्हों का भाई ब्रेन मैपिंग टैसट कराओ लाइट टैसट कराओ जो हिंदुस्तान के कानून के टैसट हो सकता है वह इन्हों का करवा लिया जाए। तो ब्रेन मैपिंग टैसट भी साढ़े दोनों कौंसलों की हाजरी के नवी जिला जेल नाभा के होया ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।